हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको वाटर कलर केक्स की रिव्यू देने वाला हूँ, और ये बहुत ही सस्ते हैं, ओनली 70 रुपीज़। तो चलिए इनका रिव्यू। तो ये हैं गाइस वाटर कलर केक्स 24 फर्स्ट स्टूडेंट्स लिखा है इस पर। तो आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे शेड्स हैं, 24 हैं। एंड इनके साथ मुझे एक ब्रश भी मिला है जो एकदम फ्री है। एंड फ्री ब्रश थोड़े ख़राब होते हैं, इनके टिप्स थोड़े सही नहीं होती। एंड ये आप देख सकते हैं 4 मिक्सिंग बॉक्स भी मिले हैं आपको, लेकिन ये बेकार होते हैं, इनमें मिक्स भी नहीं पता ढंग से। मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे मिक्स करो, यहाँ पे आप चाहे जितना ज़्यादा मिक्स करो, मैं तो यहीं मिक्स करता हूँ। इसमें आपको फेस कलर भी मिल जाएगा इन सारे कलर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन सभी कलर को हम पेपर पे स्ट्रोक्स लगा के देखेंगे। पहले हम लाइट कलर्स को स्ट्रोक्स लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन कलर लगाते हैं जो कि ब्लू होता है हल्का। ये देखिए ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम ब्लू कलर लगाएंगे, फिर उसके बाद और कलर लगाएंगे। जो ट्रांजेक्शन कलर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी ड्राइंग होती है पीछे की, वो हमें ना दिखती है बहुत। जैसे ग्लास बनाते हैं हम, कोई वो चीज़ बनाते हैं, तो वो हमें आर पार चीज़ें दिखती हैं उसके, वो ट्रांजेक्शन कलर्स होते हैं। जैसे कि जो कलर अभी मैंने वॉलेट कलर के नीचे किया था, वो भी एक ट्रांजेक्शन कलर था। एंड उसके बाद हम जो है यहाँ पे वाटर लगाएंगे, एंड उसके बाद जो कलर है उनको डिपिंग करके देखेंगे। एंड डिपिंग करने के बाद हम उसमें डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के फिर जो हम कलर है कलर को देखेंगे कितना फ्लो होता है। जितना ज़्यादा कलर फ्लो होता है उतना ही कलर बेस्ट होता है, और ये कलर वैसे इतना ज़्यादा फ्लो हो नहीं पा रहा है, पर जितना हो रहा है वो काफ़ी अच्छा फ्लो हो रहा है वैसे भी। एंड ये कलर काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा कलर है ये। इसके बाद हम इसमें कलर मिक्स करके भी देखेंगे, ब्लू कलर मिक्स करके देखेंगे। इसमें हम डॉट लगाएंगे ब्लू कलर की, कि हम कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है इसमें इस कलर की। तो इस कलर में मिक्सिंग हो रही है, ठीक ठाक मिक्सिंग हो रही है, ज़्यादा बुरी नहीं हो रही, काफ़ी अच्छी मिक्सिंग कर सकते हो आप इससे। बस इस पे जो कलर हैं उसकी बस एक ही ख़राबी है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई हो जाने के बाद इसमें मतलब घाटा है कलर की। आपने कोई चीज़ ड्रॉ, मतलब अगर आप लाइट नहीं शेड कर रहे हैं, पहले आपको लाइट ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद लाइट के ऊपर आपको इसके ऊपर ही कलर करते रहना है, ठीक है। अगर आप वाइट कलर मतलब जो लाइट है लाइट नहीं कर रहे और आप डार्क कर रहे हो, तो डार्क जल्दी वेट हो जाएगा, और उसको आप जल्दी से भी वो नहीं कर पाओगे। आपको उसमें पानी डाल के आप उसको लाइट कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। और आप ऐसे तो कर लोगे अगर वो ज़्यादा जल्दी वेट नहीं होगा तो। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये कलर वैसे ठीक है, लेकिन इनसे भी बहुत अच्छे कलर हैं। वो वाले कलर्स मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। सबसे छोटे कलर हैं ये, है डोम्स के कलर, इसमें 15 शेड्स मिलेंगे आपको। ये मतलब इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इनके साथ जो ब्रश मिलता है इसका वो बहुत अच्छा मिला है मुझे ब्रश। एंड ये जो है ना ब्लैक कलर, ये काफ़ी डार्क है इसमें, एंड इसमें इतना डार्क मिला जितना इसमें डार्क है। क्वालिटी के हिसाब से डोम्स के ज़्यादा है ये अच्छे हैं, लेकिन वही बात है इसमें कम कलर ज़्यादा कलर दोनों चीप है। ये 25 रुपये का है, 70 रुपीज़ का। तो यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।